राजनांदगांव जिला मुख्यालय में पूर्व सैनिकों ने आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगा बाइक रैली निकाली। रैली शहर का भ्रमण करते हुए जेई रोड स्थित गौरव स्थल पर पहुंची, जहां वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी के आह्वान पर प्रदेश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में जिला सैनिक कल्याण संघ के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने राजनांदगांव शहर में बाइक तिरंगा रैली निकाली, जो विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए गौरव स्थल पहुंचकर देश के लिए शहीद होने वाले वीरों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सैनिक अविनाश चंद्र की माने तो इस तिरंगे की शान के लिए एक सैनिक कश्मीर से कन्याकुमारी तक विपरीत परिस्थितियों में अपनी सेवा देकर देश का सम्मान बढ़ाता है। सर्वप्रथम तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा और झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज की ये जो झंडा रैली हमारे भूतपूर्व सैनिक साथियों के साथ हमने जो राजनांदगांव शहर में आयोजित की, ये लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के प्रति जागरूक करने के लिए था। क्योंकि आप हम सबको पता है कि हमारे तिरंगे में तीन रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक दर्शाता है। उसके बाद मध्य में स्थित सफ़ेद रंग जो शांति का प्रतीक है, और सबसे नीचे हरा रंग जो संपन्नता और हरियाली को दर्शाता है। इसी तिरंगे की शान के लिए एक सैनिक कश्मीर से कन्याकुमारी तक विपरीत परिस्थितियों में दुर्गम स्थानों पर जा करके इस तिरंगे की शान के लिए ही अपनी सेवाएँ देता है और गौरव बढ़ा करके इस देश के प्रति एक सम्मान जागृत करता है।